स्वतंत्रता दिवस में रीवा जिले में आन बान शान से लहराया गया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कलेक्टर ने ध्वजारोहण करके ली परेड की सलामी। आपको बता दें कि देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में रीवा जिले में हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। जिले में बड़े ही आन बान शान से तिरंगा लहराया गया। मुख्य समारोह SF मैदान पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। समारोह में मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री जी के स्वतंत्रता संदेश का वाचन किया। समारोह में शस्त्र बलों ने हर्ष फायर करके राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन भी किया। समारोह में विशेष शस्त्र बल, जिला पुलिस बल एवं सैनिक स्कूल के दल के सहित 11 दलों ने बैंड की मधुर धुन पर आकर्षक परेड की। समारोह में इसके बाद मुख्य अतिथि ने 3 रंग के मनोहारी गुब्बारों को हर्ष स्वरूप मुक्त गगन में छोड़ दिया। समारोह में कलेक्टर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीदों के परिजनों तथा लोकतंत्र के प्रहरियों का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत तथा शासन की विकास योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले गीतों और नृत्यों के साथ मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य समारोह के साथ साथ सभी विकास खंड मुख्यालयों, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान एवं कार्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह में विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बाल भारती विद्यालय ने देशभक्ति के गीत तथा मनोहारी नृत्य के साथ विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया। सेंट्रल एकेडमी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में वीरों को नमन करते हुए महालोक निर्माण तथा सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारेंटोला ने लहराए तिरंगा तथा सुरक्षा पब्लिक स्कूल लक्ष्मणपुर ने वंदे मातरम तथा खुशहाल हो भारत गीत के साथ लाडली बहना योजना को प्रदर्शित किया। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय SK स्कूल ने लहराओ तिरंगा पूरी शान से गीत के साथ महिला सशक्तिकरण को प्रस्तुत किया। समारोह में ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा बाल भारती स्कूल ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में आयोजित शस्त्र परेड में SF नवमी बटालियन को प्रथम स्थान, जिला पुलिस बल को दूसरा स्थान तथा केंद्रीय जेल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बिना शस्त्र परेड में NCC गर्ल्स TRS कॉलेज को प्रथम स्थान, NCC कन्या महाविद्यालय को दूसरा तथा NCC TRS कॉलेज छात्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सेंट्रल एकेडमी को प्रथम, SK कन्या स्कूल को दूसरा तथा बाल भारती स्कूल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। समारोह में नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, SP विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, जिला पंचायत के CO डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, SDM अनुराग तिवारी तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वीर शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। स्वतंत्रता यानी मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी के साथ साथ मौलिक अधिकारों की आजादी, न केवल दूसरों के दुख को सुख में बदलना बल्कि अपने सुख को भी दूसरों के सुख में बदल देना ही आजादी के मंत्र की असली सार्थकता है। वतन की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने जिस गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना देखा था, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में अपने संकल्पों से साकार किया है। उनके नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में 21वीं सदी का एक ऐसा समर्थ और समृद्ध भारत आकार ले रहा है जिसमें हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही पूरे हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के रूप में मध्य प्रदेश में सुशासन की नई क्रांति प्रभावित हुई है। अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। अभियान के दूसरे चरण में 68,40,000 से अधिक आवेदनों व 1,73,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण हुआ है।